जनतंत्र में अगर कोई पार्टी या व्यक्ति जब यह समझने लगे कि वही जब तक सत्ता में है तभी तक संसार में उजाला है, वह गया तो सारे संसार में अंधेरा छा जाएगा। इस ढंग की मनोवृत्ति रखने वाला कोई पार्टी हो या दल, वह इस देश को रसातल में पहुंचाएगा। भारत में सत्ता से चिपके रहने की एक आदत पड़ गई है, इसी आदत ने इस देश के वातावरण को विषाक्त कर रखा है। सन 1969 में भारत की संसद में बैठ करके यह बयान देने वाले एक समाजवादी नेता से आप परिचित हैं क्या? आप उस नेता के बारे में कितना जानते हैं जिसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं समाजवाद को सोचता हूं, ये समाजवाद को जीते हैं। वह नेता सदन में यह बयान देता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी प्रशासन चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 2000 साल तक इस देश में शासन किया है। वह अपने संसदीय क्षेत्र चुनाव क्षेत्र में कभी पैदल तो कभी बैलगाड़ी पर घूमते और प्रचार करते हुए दिख जाया करते थे। विचारों में समाजवादी ही नहीं, अपने जीवन शैली और सिद्धांतों में समाजवाद को जीने वाले इस नेता का नाम है भूपेंद्र नारायण मंडल। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भूपेंद्र नारायण मंडल पर। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। बिहार के मधेपुरा जिले से तकरीबन 20 मील दूर कोसी की किनारे पर रानीपट्टी गांव में 1 फरवरी 1904 को जन्म हुआ था भूपेंद्र नारायण मंडल का। पिता जय नारायण मंडल क्षेत्र के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने भूपेंद्र नारायण मंडल को सामाजिक और राजनीतिक चिंतन की जीवन शैली और विचार शैली दोनों विरासत में सौंपी। भूपेंद्र नारायण मंडल के पिता और चाचा कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे जिन्होंने बिहार में कांग्रेस की सियासत की और समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। सदियों से उपेक्षा के शिकार दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए निष्ठापूर्व संघर्ष करने की विरासत भूपेंद्र नारायण मंडल को अपने पिता और अपने चाचा से हासिल हुई। बीएन मंडल जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव और फिर जिले मधेपुरा में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो कलकत्ता चले गए। गांधी जी ने 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए छात्रों नौजवानों का आह्वान किया तो बीएन मंडल अपने कॉलेज से, जो कि अनुशासन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में शरीक हुए और यह एक आश्चर्यजनक घटना उस महाविद्यालय के लिए रही। फिर भागलपुर में आए और लॉ की पढ़ाई पटना लॉ कॉलेज से पूरी की। 1917 की रूस की क्रांति और मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हुए और असहयोग आंदोलन से लगातार अनवरत जंगे आजादी में बीएन मंडल शामिल रहे। 1930 के आसपास बिहार में सक्रिय बहुजन आंदोलन के एक बड़े संगठन, जिस पर बात बहुत कम हुई और बात करने की जरूरत है, त्रिवेणी संघ, इससे जुड़े बीएन मंडल। 13 अगस्त 1942 को मधेपुरा कचहरी पर यूनियन जैक उतार कर हिंदुस्तान का राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले जांबाज लोगों का नेतृत्व करने वालों में बीएन मंडल शामिल थे। 1945 में जब भागलपुर में जिला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो भूपेंद्र बाबू पार्टी के महासचिव बनाए गए और 1948 में नासिक सम्मेलन में कांग्रेस के कुछ नीतियों से असहमत होने के चलते कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर लिया। बीएन मंडल आजादी के आंदोलन में तो शामिल हुए ही, लेकिन वह अपने निजी जीवन में एक योद्धा की तरह सामाजिक सांस्कृतिक बुराइयों और विसंगतियों के खिलाफ लड़ते रहे। जमींदारी प्रथा के खिलाफ मुखर हुए, छोटे किसानों का दर्द समझ करके उनके आंदोलनों में शरीक हुए और हर किस्म के शोषण के खिलाफ खड़े हुए। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में बीएन मंडल अपने सगे संबंधी बीपी मंडल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, 666 वोट से हार गए थे। जी हाँ, वही बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें आप मंडल कमीशन के चलते बखूबी जानते होंगे। 1962 के लोकसभा चुनाव में सहरसा सीट से कांग्रेस के ललित नारायण मिश्रा को शिकस्त देकर इन्होंने जीत हासिल की। 1954 में वह चुनाव रद्द कर दिया गया। फिर उपचुनाव में भी बीएन मंडल जी जीत हासिल करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। वो विजय जुलूस निकालने जा रहे होते हैं मगर नाटक
राजकीय तरीके से दिल्ली के इशारे पर रिकाउंटिंग में गड़बड़ी करके उन्हें फिर से हारा हुआ घोषित कर दिया गया। बिहार में यह 2020 में ही नहीं हुआ, उसके पहले भी बीएन मंडल के साथ ऐसा हो चुका था। यह एक अप्रत्याशित घटना थी जिससे राजनारायण जी बेहद खफा हुए थे, मगर बीएन मंडल अपने मिशन, अपने उसूलों और अपने जीवन में समाजवादी विचार को जीने के क्रम में आगे बढ़ते चले गए। समाज में शिक्षा का विस्तार हो, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, खासकर वंचित तबके के लोग, इसके लिए बीएन मंडल ने मधेपुरा में टीपी कॉलेज की स्थापना की। टीपी कॉलेज तब से लेकर आज तक शिक्षा की अलख जगाए हुए। मैं बार बार सामाजिक न्याय की पाठशाला देख रहे आप सभी साथियों से कहता हूं, सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई का केंद्रीय औजार आत्मसम्मान और वजूद की लड़ाई के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की लड़ाई। हमारे नायक जो बहुजन नायक रहे, देखिए उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, दलित पिछड़े आदिवासी वंचितों के लिए, पसमांदा के लिए एकजुट रहे हैं, वो उनकी आवाज उठाते रहे। बीएन मंडल उन्हीं में से एक चेहरे हैं जिन पर बात बहुत कम हुई है, बहुत कम 21वीं सदी के युवा जानते हैं, इसलिए मैं आज ये एपिसोड उन पर समर्पित करते हुए बना रहा हूं। 1969 का वक्त था, दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, राज्यसभा में वो एक बयान देते हैं और कांग्रेस सरकार से तल्ख सवाल पूछते हैं बीएन मंडल कि आपके शासन में दलितों पर आफत आ गई है। आंध्र के 42 दलितों के जिंदा जलाने की घटना से ऐसा लगता है कि देश में दलितों के रहने के लिए कोई अधिकार ही नहीं है। 1972 में भी राज्यसभा में उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि कांग्रेस शासन उच्च जातियों की मनमानी और निरंकुशता को बढ़ावा दे रही। समाजवादी धारा के तमाम विचारकों को पढ़ते हुए हम ये महसूस करते हैं कि वो कांग्रेस के तानाशाही और ब्राह्मणवादी रवैये के सामने मुखर होकर के आवाज उठा रहे थे। 1970 में ही राज्यसभा में उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश का शासन वही लोग चला रहे हैं जो 2000 साल से शासन करते आ रहे हैं, सरकार में उन्हें भी होना चाहिए जो तकलीफ सहते आए हैं, तभी तो वो जनता की तकलीफों को समझ पाएंगे, परंपरागत शासक कभी भी जनता की तकलीफों को महसूस नहीं कर सकता। 1970 के दौर में बीएन मंडल सदन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मजलूमों की आवाज बुलंद कर रहे थे। भूपेन बाबू ने शहरों में गांव देहात से आए मजदूरों के फुटपाथ पर जिंदगी जीने की मजबूरी और सरकार द्वारा उनकी अवहेलना पर बात करते हुए कहा 1964 में कि प्रत्येक व्यक्ति की कमाई कम से कम इतनी तो जरूर हो कि वह अपने अस्तित्व को बचा सके, अपने वजूद को बचा सके। वे महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के मसलों पर बात करते थे। यह किताब देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, मैंने अपनी तमाम बातें इस किताब के रेफरेंस से ली है, समाजवादी चिंतक के अमर साधक भूपेंद्र नारायण मंडल, शरदेंदु कुमार जी ने इस किताब को संपादित किया है जो पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। शरदेंदु कुमार जी की इस किताब के जरिए आप तसल्ली से इस पूरी विषय सूची को अगर गौर से देखेंगे तो जीवन वृत्त के साथ राजनीतिक व्यक्तित्व पर एक विस्तृत और विश्लेषण करती हुई शानदार टिप्पणी है। उसके बाद देखिए संसद में दिए गए वक्तव्यों को गौर से देखिए, आम आदमी की चिंता, महंगाई, कृषि नीति, उद्योग नीति, रेलवे, अफसरशाही, जातिवाद, राष्ट्रपति शासन का औचित्य, राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी उपाय, अपना राज्य हित यानी बिहार की चिंता, अलगाववादी आंदोलन, लोकतंत्र, समाजवाद और नैतिकता, राजनीति और नैतिकता, विदेश नीति, बजट पर प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय हित, अर्थनीति, कानून में संशोधन, शिक्षा और सांप्रदायिकता, प्रेस और जनसंचार, भाषा समस्या, अब संस्कृति और चरित्र निर्माण, ऐतिहासिक धरोहर, सोशलिस्ट पार्टी के चतुर सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण, और तीसरे खंड में इस किताब के भूपेंद्र मंडल पर लिखे गए लेख हैं, समाजवादी आंदोलन और शोषितों के मसीहा, समाजवादी चिंतन और सत्य निष्ठा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, मेरे पूज्य पिताश्री। यह जो सामान्य परिचय के साथ इस किताब में दिया गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण है बीएन मंडल को जानने और समझने के लिए। विषय सूची को ही अगर आप गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि समाजवादी नेता बीएन मंडल के राजनीति और चिंतन का दायरा कितना गहरा और कितना व्यापक है।
महंगाई, शिक्षा, सांप्रदायिकता से लेकर के दलित, मजलूम, किसान, मजदूर, बजट आवंटन और किसानों के सवाल से लेकर के बिहार के सवाल, सब कुछ उनके भाषणों में शामिल मिलेगा। वो महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लगातार मुखर रहे कर्मचारियों के वेतन और विसंगतियों पर उन्होंने राज्यसभा में कहा कि रेलवे के वित्त सलाहकार का वेतन 4,000 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन सिर्फ 80 रुपए, यानी दोनों के वेतन में 50 गुने का अंतर, इस पर गौर करना चाहिए। बीएन मंडल का एक बड़ा शानदार वाकया है, सदन में वो बोलते हैं कि रेलवे सबसे ज्यादा कमाता है तृतीय श्रेणी के डिब्बे से, जिसमें सबसे ज्यादा लोग शामिल होते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असुविधा अगर किसी डिब्बे में है तो वो तृतीय श्रेणी में है, और जहां सबसे कम लोग यात्रा करते हैं उनमें सबसे ज्यादा सुविधाएं प्रथम श्रेणी की। यह जो गैप है इसको बीएन मंडल कहते हैं कि यह देश के संचालन का गैप है। शिक्षा को लेकर बेहद सजग बीएन मंडल कहते हैं कि बच्चों की असमान शिक्षा चिंतित करने वाला विषय है। अमीर गरीब का भेद मिटाकर सबको समान शिक्षा दिए जाने का पक्ष लेना चाहिए। पिछड़ी जातियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता, उपेक्षा व आसपास बेहतर शिक्षण संस्थानों की अनुपलब्धता को देखते हुए उन्होंने काम किया और शिक्षा को लेकर के वो लगातार टिप्पणियों के जरिए ये कहते रहते हैं। वो देश को एक सजग, तार्किक, वैज्ञानिक चेतना पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं। 1973 में 20 मार्च को वो कहते हैं कि हमारे समाज में जाति पात का अंतर विरोध पहले से चला आ रहा था, बड़ी जाति और छोटी जाति का यह अब सिमट कर एक जाति में चला गया है और सारी ताकत एक ही जाति के हाथ में जा रही है। अभी जैसे केंद्र की बनावट है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, भारी उद्योग मंत्री सभी एक ही जाति के। अगर आप गौर करेंगे तो आज थोड़ी सी स्थिति बदल गई है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे सिंबॉलिक पदों पर दलित पिछड़ों को नुमाइंदगी के लिए बिठा दिया गया है, लेकिन कैबिनेट से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट मंत्री सब कुछ एक ही जाति के, वो जाति अभी भी काम कर रही है। इस किताब से कुछ रेफरेंस में अगर और देखूं तो यह किताब आप सबको जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में वो पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे आदमियों के स्वार्थों में टक्कर में कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग लगातार शोषण करने में वो आगे रहते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर में वो बिहार को कहते हैं कि लघु उद्योग और उद्योगों के विस्तार में यह बिहार में जो नीतियां बनाई जा रही हैं उससे वो नाखुश होते हैं। कृषि की नीतियों के लिए वो लगातार कहते हैं कि आप कृषि को लेकर के उपेक्षा कर रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो कहते हैं कि संसद में यह बिल आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यह कृषि जो है वो स्टेट का अधिकार है, इसलिए स्टेट को उस पर बात करनी चाहिए। एक दिलचस्प वाक्य अफसरशाही और जातिवाद के लेकर के बीएन मंडल का है, जिस पर मैं गौर करना चाहूंगा। यूपीएससी की रिपोर्ट सदन में पेश हुई थी और उसमें वो लिखते हैं, अपने भाषण में कहते हैं कि इनकी एकात्मकता अंग्रेजी में पढ़े लिखे बड़े जाति के लोगों के साथ है, यानी जो अफसर हैं उनमें सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं। अधिकांश आईसीएस और आईएएस का जन्म इसी श्रेणी के लोगों के अंदर हुआ है, जिनकी संख्या 1% है, और इस समाज की हजारों साल से आदत रही है अपने से इतर लोगों का शोषण करने की और उनके ऊपर शासन करने की। आज की सिविल सर्विस उस 1% की आदत और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, इसलिए हिंदुस्तान का जनतंत्र बलशाली नहीं हो पाता है। और आज भी आप देखिए, यूपीएससी की बात करें तो लेटरल एंट्री आ रही है और लेटरल एंट्री में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो जो बीएन मंडल उस दौर में चिंता कर रहे थे, रिजर्वेशन लागू हुआ, यूपीएससी में आया, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन न होने के चलते, आंतरिक भेदभाव होने के चलते एक ही जाति के लोग आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और जो थोड़े बहुत लोग पहुंच पा रहे थे वो रास्ता भी अब लेटरल एंट्री के जरिए बंद किया जा चुका है। तो ये बहुजन तबके के लोग अपने नायकों को पढ़े ही नहीं तो कैसे जानेंगे कि उनकी लड़ाई सदन में कौन लड़ रहा था। और आज आप हिंदू बने बैठे हैं। शिक्षा और सांप्रदायिकता को लेकर के मदन मोहन मालवीय को घेरते हैं, कटघरे में खड़ा करते हुए कहते हैं बीएन मंडल कि ये अच्छा किया कि आपने एक विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन चूंकि आपका शहर आरएसएस का गढ़ रहा है इसलिए आपके विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में भी वह बात वहां पर मुखर होती है। और बीएन मंडल एक बात बड़ी बारीकी से कहते हैं कि यह ऐसा संगठन है जो लगातार दंगे में शामिल होने का अपराधी रहा है। इस देश में विश्वविद्यालयों में आरएसएस की जरूरत नहीं है,
बीएन मंडल से आगे बढ़ करके कहते हैं इस देश में आरएसएस की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 218 बीएन मंडल का यह भाषण है जो उन्होंने 20 अगस्त 1959 को राज्यसभा में दिया था। इधर जितने दंगे हुए हैं उसमें कितना हाथ आरएसएस का ये सब जानते हैं। जो संस्था इस तरह का विश्व मन करती है जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं उसका यूनिवर्सिटी कैंपस में रहना न विश्वविद्यालय के लिए और न देश की स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छा है। इसलिए यूनिवर्सिटी के अधिकारी हों या देश के लोग हों आरएसएस जैसी चीजों की वो मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं से लेकर के मेरिट का सवाल, यह बोर्ड की परीक्षाओं और विश्वविद्यालय के तंत्र के भीतर जो भाई भतीजावाद है उस पर कड़ा प्रहार करते हुए 28 नवंबर 1968 को राज्यसभा में बोलते हुए वो कहते हैं कि साल दर साल यूनिवर्सिटी या बोर्ड की परीक्षा होने के साल भर में जितनी पढ़ाई होनी चाहिए उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर परीक्षा आ जाती है, अधूरी पढ़ाई किए हुए लड़के जब इम्तिहान देने जाते हैं तो वहां नकल होती है और किसी तरह पास हो जाते हैं। जो कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर वगैरह रहते हैं वे जाति की वजह से या किसी दूसरी वजह से जो अच्छे लड़के होते हैं उनको परीक्षा में दबा कर रखते हैं और जो उनके मनपसंद लड़के होते हैं उनको बढ़ा कर नंबर देते हैं और इस तरह आगे के लिए उनका भविष्य बनाने की कोशिश की जाती है। यह भी एक बीमारी आज कॉलेजों में देखी जा रही है। इस पर भी मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। गौर से समझिए, आज दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं में से कितने लोग शिक्षा की इस बारीकी को लेकर सजग हैं। आज तो नई शिक्षा नीति के जरिए विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज तक सब कुछ निजी हाथों में बेचा जा रहा है। ऐसे दौर में बीएन मंडल याद आते हैं। बीएन मंडल लगातार समाजवाद को जीते हैं, बीएन मंडल लगातार शिक्षा का सवाल उठाते हैं, बीएन मंडल लगातार यह जो दलित बहुजन जातियों की बात है उसको सदन से लेकर के सड़क तक वो उठाते रहते हैं। और बीएन मंडल ने कृषि से लेकर के महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के अलगाववादी, रेलवे से लेकर के अफसरशाही नौकरशाही, राष्ट्रपति शासन के औचित्य, अलगाववाद की चिंता, राजनीति में नैतिकता, शिक्षा में सांप्रदायिकता, इस तरह के तमाम मसलों पर लगातार सवाल उठाया। सच सच बताइए इस बीएन मंडल से आप कितने परिचित हुए। वे बिहार विधानसभा के सदस्य रहे 1957 से लेकर 1962 में और 1962 से 64 और 1970 से 72 तक वो क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। और मात्र इतने कार्यकाल में ही उन्होंने जो दावा किया, जो बुलंदी से उन्होंने आवाज उठाई, वह आवाज आज समाजवादी आंदोलन की जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद बची है उसको लेकर के मुखर होकर के आज अपने दावे को रखती है। और जिस कोटेशन से मैंने बात शुरू की थी मैं वापस उस कोटेशन को पढ़ता हूं, और आजादी के 30 दशक बाद और आज से तकरीबन 50 साल पहले जब बीएन मंडल यह वाक्य लिख रहे थे उन्हें शायद इस बात का एहसास रहा होगा कि सन 2014 सन 2019 में आकर के एक ऐसा राजनीतिक दल आएगा जो दावा करेगा कि अब उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इस देश को आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे के रास्ते होते हुए सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने का जो जिम्मा उसने अपनी पार्टी और अपने कंधे पर ले रखा है वह यह कहता है कि अगर उसको वोट न दिया तो इस देश का विनाश हो जाएगा। ऐसे दौर में जब उसके खिलाफ बोलने वाले लोगों की जबान कुचली जा रही हो, छात्र से लेकर नौजवान जेलों में हो, प्रोफेसर जेलों में हो, बीएन मंडल को याद करना चाहिए। मैं उस कोटेशन के जरिए आपको छोड़े जाता हूं इस सवाल के साथ कि एक बार सोचिएगा 21वीं सदी के युवाओं को आपने कितना जानने दिया। कोटेशन है कि जनतंत्र में अगर कोई पार्टी या व्यक्ति यह समझे कि वही जब तक शासन में रहेगा तब तक संसार में उजाला रहेगा, वह गया तो सारे संसार में अंधेरा हो जाएगा। इस ढंग की मनोवृत्ति रखने वाला चाहे कोई व्यक्ति हो या पार्टी वह देश को रसातल में पहुंचाएगा। हिंदुस्तान यानी भारत में सत्ता से चिपके रहने की एक आदत पड़ गई है, मनोवृत्ति बन गई है, उसी ने देश के वातावरण को विषाक्त कर दिया है।
तो आप देख रहे थे सामाजिक न्याय की पाठशाला। ये पाठशाला आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पाठशाला और इसके एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक ले जाइए, ताकि हम नई पीढ़ी को बता सकें कि आपके विरासत क्या है, आपके नायक कौन है, जिनके बारे में आपको पढ़ने नहीं दिया गया, आपको जानने नहीं दिया गया। इस किताब को जरूर पढ़िएगा, खोज कर पढ़िए बीएन मंडल के बारे में, खोज कर पढ़िए और सोचिए कि उनके अधूरे ख्वाबों को, उनके चरित्र को, उनकी नैतिकता को, उनकी जीवन शैली को क्या हम आज की सियासत में पाते हैं, और अगर नहीं पाते हैं तो क्या आज हमें इसके दरकार महसूस नहीं होती। आप देख रहे थे सामाजिक न्याय की पाठशाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।